हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लाइव प्रोसेस का नेक्स्ट लेक्चर, जिसके अंदर हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम कवर कर चुके हैं डेंटल कैरीज। तो डेंटल कैरीज को अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर सर्च बॉक्स के अंदर डाल दीजिए डेंटल कैरीज तमोरी ट्यूटर, वहां से भी वीडियो आ जाएगी, देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो देखिए, रेस्पिरेशन मतलब होता क्या है? रेस्पिरेशन का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो डाइजेस्टेड फूड था उसमें से एनर्जी निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। थोड़ा पीछे चलते हैं, हुआ क्या था? हमने इससे एक दो लेक्चर पहले हमने देखा था न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। न्यूट्रिशन मतलब होता क्या था? इसके अंदर हम फूड को लेते थे, फूड को डाइजेस्ट करते थे। डाइजेस्ट मतलब छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर तोड़ना, फिर उसको सेल्स तक पहुंचाते थे। सेल्स वहां से एब्जॉर्ब करता था, तो सेल ने क्या किया? फूड को एब्जॉर्ब किया, फूड को एब्जॉर्ब किया, एसिमिलेट किया, एब्जॉर्ब किया। तो वहां पे क्या हुआ, जब फूड सेल के अंदर पहुंच गया, अब उसमें से एनर्जी भी तो निकालनी है, जब भी तो हमारी बॉडी के लिए काम आएगी वो। तो फूड को, जो फूड हमने डाइजेस्टेड फूड था, जो हमारा डाइजेस्टेड फूड था, उस फूड में से एनर्जी निकालने वाले प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। क्या पे होता है ये? सेल के अंदर। ये हमारा कोई सेल है, हमारा बॉडी का सेल, तो इसके अंदर डाइजेस्टेड फूड पहुंचा। क्या पहुंचा इसके अंदर? डाइजेस्टेड फूड हमारा इसके अंदर पहुंचा। तो डाइजेस्टेड फूड पहुंचा, और रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन की हेल्प से, जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, उसकी हेल्प से क्या करते हैं? डाइजेस्टेड फूड को ब्रेक डाउन करते हैं, इसको तोड़ते हैं, और इसमें से क्या निकालते हैं? एनर्जी। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन समझ में आ गया क्या होता है? एक बार फिर से बताते हैं। जो डाइजेस्टेड फूड था, जो हमने फूड को लिया था, हमने ईट किया था, उसको डाइजेस्ट किया था, डाइजेस्ट होने के बाद सेल्स तक पहुंचा, उसमें से एनर्जी निकालने वाले प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग रेस्पिरेशन। होता किसकी हेल्प से? ऑक्सीजन की हेल्प से। अब बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग आर द सेम प्रोसेसेस, बट नो, दीज आर टू डिफरेंट प्रोसेसेस। ब्रीथिंग का मतलब क्या होता है? इनहेल, ऑक्सीजन ली, CO2 हमने बाहर निकाली, तो इसको सिर्फ यही होता है हमारा ब्रीथिंग। लेकिन रेस्पिरेशन क्या होता है? डाइजेस्टेड फूड में से एनर्जी को निकालना। रेस्पिरेशन हमारा एक केमिकल प्रोसेस है, लेकिन ब्रीथिंग हमारा क्या है? एक फिजिकल प्रोसेस है। ब्रीथिंग क्या है? फिजिकल प्रोसेस, लेकिन रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस। एक चीज और, ये कहां पर होती है? हमारे सेल्स के अंदर होती है रेस्पिरेशन। फूड हमारा सेल के अंदर पहुंचा, तो रेस्पिरेशन कहां होती है? सेल के अंदर होती है, इसीलिए इसको सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। कहां पे होती है रेस्पिरेशन हमारी? कहां पे? सेल के अंदर। सेल के अंदर होती है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। लेकिन हमारी जो ब्रीथिंग होती है, कहां होती है? लंग्स के अंदर। ऑक्सीजन जाती है लंग्स तक, लंग्स से CO2 लेती है, वापस आ जाती है वहां तक। तो रेस्पिरेशन सेल्स के अंदर होती है, ब्रीथिंग लंग्स के अंदर होती है, काफी डिफरेंट है। रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है, ब्रीथिंग फिजिकल प्रोसेस है। रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है? रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड, जबकि ब्रीथिंग के अंदर क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तीन डिफरेंस पता चले, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है इसको समझते हैं। सेल के अंदर होता है रेस्पिरेशन, हर एक सेल के अंदर हमारा, ईच सेल, बॉडी के जितने भी सेल है सभी के अंदर हमारा रेस्पिरेशन होता है। सभी सेल के अंदर हमसे एनर्जी निकाली जाती है वहां पे और यूज की जाती है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं कि होता क्या है। हमारी जो एनर्जी होती है, हमारी जो इसमें से एनर्जी निकलती है, वो हमारी ATP की फॉर्म में निकलती है। एनर्जी जो है हमारे सेल के अंदर से, वो ATP फॉर्म में निकलती है। ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो पहले इन्हें समझ लेते हैं, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ADP, ATP, इन्हें समझते हैं पहले। एडिनोसाइन देखिए, ADP का मतलब होता है, पहले आपको टर्म समझा देते हैं, फिर आप अपने आप कर लोगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ADP का मतलब होता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, और ATP का मतलब होता है एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट, और एक चीज होती है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। ये हमारे ऑक्सीजन और फॉस्फेट का एक कंपाउंड होता है। तो देखिए, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट मतलब एडिनोसाइन के अंदर
दो फॉस्फेट और एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन के अंदर तीन फॉस्फेट, तो दोनों सिर्फ डाई और ट्राई का अंतर है। तो देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए वहां कोई एडिनोसाइन का कंपाउंड है, सिर्फ मान लीजिए ये हमारा एडिनोसाइन है, एडिनोसाइन इसके अंदर दो फॉस्फेट अटैच होंगे तो ये क्या हो गया एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट। अगर एडिनोसाइन के अंदर ही हमारे तीन फॉस्फेट अटैच होंगे तो ये क्या हो जाएगा एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। तो ये समझ में आ गया होगा एडिनोसाइन डाई फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऑक्सीजन और फॉस्फेट का कंपाउंड होता है। तो होता क्या है, हमारा ये सेल है, हमारा ये ह्यूमन सेल है, तो ह्यूमन सेल के अंदर एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इसको सिंपल हम फॉस्फेट ही बोल सकते हैं, एडीपी और फॉस्फेट ये हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं। इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, एडीपी एंड फॉस्फेट, एडीपी और फॉस्फेट इसके अंदर ऑलरेडी हमारा प्रेजेंट है। ये बात समझ में, एडीपी मतलब एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, और ये जो एडीपी और फॉस्फेट होते हैं वो ऑलरेडी हमारे सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो मेन चीज होती क्या है, जैसे ही हमारे एनर्जी निकली, हमारे जो फूड होता है उसमें से एनर्जी निकलती है, तो एनर्जी कुछ तो यूज हो जाती है और कुछ एनर्जी को वो स्टोर करके रखते हैं ताकि जब हमारी बॉडी को उसकी जरूरत हो उस वक्त उसे हम यूज कर सकें। तो वो होता कैसे ये देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा फूड था, फूड को हमने एस्पिरेशन के जरिए एनर्जी निकाल ली, फूड में से हमने एस्पिरेशन के जरिए क्या निकाल ली, एनर्जी निकाल ली, तो हमारे सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट क्या था, एडीपी, एडीपी ऑलरेडी प्रेजेंट था हमारे सेल के अंदर। अब जब हमारा ये एडीपी है ऑलरेडी और क्या प्रेजेंट था, फॉस्फेट, एडीपी और फॉस्फेट मिलके क्या बनाएंगे, एडीपी प्लस फॉस्फेट, यहां सेल के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट थे। डाइजेस्टेड फूड से हमारा क्या निकला था, एनर्जी, डाइजेस्टेड फूड से क्या निकली थी, एनर्जी, तो एनर्जी और आ गई हमारे सेल के अंदर। ये सारी चीजें कहां चल रही है, सेल के अंदर चल रही है, तीनों चीजें कहां चल रही है, सेल के अंदर। तो एडीपी ऑलरेडी प्रेजेंट था, फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट था, एनर्जी हमारी फूड से आ गई। जब ये तीनों चीज मिलती है तो क्या बनता है, एटीपी। एक बार बताइए, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, दो फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है इसके पास, दो फॉस्फेट ऑलरेडी प्रेजेंट है, एक फॉस्फेट और आ गया तो दो फॉस्फेट एक फॉस्फेट क्या हो गया, तीन फॉस्फेट, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बन गया। समझ में आया, एक बात से समझ लीजिए, ये और ये हमारे दो फ्रेंड्स हैं, ये हमारे दो फ्रेंड्स हैं, सेल एक घर के अंदर रह रहे हैं, तो अब ये क्या होते हैं, एक दूसरे से लड़ाई हो चुकी है, दूर दूर है, तो एनर्जी जो आती है वो एक तरीके से इनके लिए कैटलिस्ट की तरीके से इनको जोड़ने में हेल्प करती है। तो एनर्जी जो आई वो इनसे बोलते हैं, नहीं भैया पाला मतलब आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक साथ आ जाओ, तो एक साथ आ जाते हैं, एक साथ आने का क्या करते हैं, एटीपी बनता है, एटीपी, एटीपी के अंदर होती है हाई एनर्जी, एटीपी के अंदर क्या होती है, हाई एनर्जी कितनी होती है, 30.5 किलो जूल पर मोल, बहुत बड़ी अमाउंट की एनर्जी हो गई है। और एडीपी के अंदर लो एनर्जी कंटेंट होता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा लो एनर्जी होती है, और एटीपी के अंदर बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है। तो होता क्या, आपको समझ में आया होगा, एडीपी और फॉस्फेट हमारे ऑलरेडी प्रेजेंट थे सेल के अंदर, एनर्जी मिली हमको डाइजेस्टेड फूड से, एडीपी प्लस फॉस्फेट प्लस एनर्जी क्या बना, एटीपी बना। जब ये बन गया तो वहां पे हमारे ये बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। कभी भी हमको जब कभी भी किसी चीज की जरूरत होगी, जब कभी भी हमको किसी एनर्जी के लिए जरूरत होगी, तो हम क्या करेंगे, एटीपी को तोड़ेंगे, इसमें से एनर्जी हमको मिल जाएगी। तो ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा, यही होता है हमारी बॉडी के अंदर, यही चीज होती है हमारी सेल के अंदर। इसके बाद देखते हैं हम लोग कुछ थोड़ी सी टर्म्स और समझ लेते हैं अभी, फिर हम आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन कराएंगे। तो एक टर्म है हमारा ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस इंपॉर्टेंट है, काफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर इसको नहीं समझा तो एनएरोबिक एंड एरोबिक में बहुत ज्यादा दिक्कत आएगी समझने में, कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है। तो देखिए समझते हैं, पहला ग्लूकोज, ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद है किसी को, C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, कितने कार्बन है इसमें, 6 कार्बन। तो ग्लूकोज क्या होता है हमारा, 6 कार्बन कंपाउंड, क्या होता है, 6 कार्बन कंपाउंड, ध्यान दीजिए इधर काफी इंपोर्टेंट चल रहा है। एक होता है हमारा पायरुवेट, पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड ये ग्लूकोज का जस्ट आधा होता है, ये समझ लीजिए। ग्लूकोज के अंदर 6 कंपाउंड है, 6 कार्बन के कार्बन है, इसके अंदर क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। ग्लूकोज के अंदर क्या होता है,
थ्री कार्बन कंपाउंड, इसके अंदर तीन कार्बन होते हैं। तो होता क्या है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। जैसे ग्लूकोज है हमारे बॉडी के अंदर, तो ग्लूकोज बोलते हैं आप दो इक्वल इक्वल हिस्से में टूट जाइए, तो दो ग्रुप में जब टूटते हैं मतलब ग्लूकोज से जब पायरुवेट एसिड बना, ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड ना, ग्लूकोज के अंदर छह कार्बन थे, पायरुवेट के अंदर तीन कार्बन है, ग्लूकोज के अंदर छह कार्बन थे, पायरुवेट के अंदर ओनली तीन कार्बन है। तो द फॉर द कन्वर्जन ऑफ द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इंटू पायरुवेट पायरुवेट इज नोन एज ग्लाइकोलाइसिस। आई थिंक ग्लाइकोलाइसिस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्लूकोज क्या है, छह कार्बन कंपाउंड, पायरुवेट क्या है, तीन कार्बन का कंपाउंड। तो जो ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। अब एक बात बताइए, ग्लूकोज में छह कार्बन में तीन, सॉरी ग्लूकोज में छह और पायरुवेट में तीन कार्बन, अगर ग्लूकोज से पायरुवेट बने तो कितने बनेंगे, दो पायरुवेट बनेंगे। ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, पायरुवेट ग्लूकोज से दो पायरुवेट बनते हैं, इसको ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। और ये होता कहां पर है, कहां पर होता है, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर। याद रखना, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का प्रोसेस। हमारा ग्लूकोज से पायरुवेट तो बन गया, लेकिन कितने से क्या बना था, एक मॉलिक्यूल से, एक मॉलिक्यूल से यहां पर क्या बने थे, दो मॉलिक्यूल, किसके, पायरुवेट के। एक मिनट, हमने पायरुवेट का फॉर्मूला नहीं बताया, तो पायरुवेट का तो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, फिर भी देख लीजिए, CH3C11OCOOH, ये होता है हमारा पायरुवेट। अब एक चीज और आती है, क्या आती है, लैक्टिक एसिड। ये बात समझ लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज चल रही है। अब इसके बाद आता हमारा लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड भी हमारा थ्री कार्बन कंपाउंड होता है, लैक्टिक एसिड भी हमारा क्या होता है, थ्री कार्बन कंपाउंड, वो भी हमारा सेल के अंदर ही बनता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड क्या है, थ्री कार्बन कंपाउंड, ये क्या है हमारा एक एसिड है, ये हमारा एक एसिड है, थ्री कार्बन कंपाउंड। इसी की वजह से जब कभी हम क्या करते हैं, दौड़ वगैरह कर लेते हैं, रनिंग कर लेते हैं काफी ज्यादा, एक साथ कर ले, बहुत दिनों से नहीं किया, फिर कर ले, हमारे पैरों में अजीब सा दर्द होता है, बहुत ज्यादा दर्द होता है, वो अनबियरेबल पेन होता है बहुत ज्यादा, तो वो किस वजह से होता है, लैक्टिक एसिड की वजह से ही होता है, हमारे मसल्स के अंदर बनना स्टार्ट हो जाता है। तो बताते हैं कैसे, पहले इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला होता है OH, बस इतना चेंज है लैक्टिक एसिड के फॉर्मूले के अंदर और पायरुवेट के फॉर्मूले के अंदर, इतना चेंज है, वहां पे डबल बॉन्ड होता है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH है, ये हो गया हमारा लैक्टिक एसिड। अब चलिए समझते हैं हम लोग एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन स्टार्ट हो चुका है, एरोबिक एनएरोबिक, नाम से पता चल रहा है, एरोबिक मतलब एयर की प्रेजेंस में होने वाला, एनएरोबिक मतलब एयर की एब्सेंस में होने वाला। तो एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक रेस्पिरेशन, दो टाइप होते हैं रेस्पिरेशन के, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एनएरोबिक अभी बताएंगे, पहले से ही देख लेते हैं। एरोबिक, एरोबिक का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी। ध्यान से इधर, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है ये सारी चीज में से आती जैसी छोटी चीजें। तो एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी, कहां से, डाइजेस्टेड फूड से, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड। जो हमने डाइजेस्ट किया था फूड उसी में से तो एनर्जी निकलेगी, लेकिन इस बार किसमें निकलती है, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो निकलती है उसे क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब कि क्या होता है, क्या देखिए पहले क्या होता है, ग्लूकोज,
ये हमारा ग्लूकोज था, ग्लूकोज था, ग्लूकोज से क्या हुआ, ग्लाइकोलाइसिस हुआ, तो क्या बना इसका पायरुवेट, पायरुवेट बन गया। कहां पर हुआ ये, कहां पर हुआ, अभी बताया मुझे पहले, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म यहां से यहां तक जो होता है वो बिना ऑक्सीजन के होता है, एक मॉलिक्यूल और यहां पर दो मॉलिक्यूल। तो मैंने क्या बताया, यहां से ग्लूकोज से पायरुवेट जो बनता है वो बिना ऑक्सीजन के बनता है, इसके अंदर ऑक्सीजन की कोई नीड नहीं है, यहां पर अपने आप बन जाएगा साइटोप्लाज्म और ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, ध्यान दीजिए, ग्लूकोज से पायरुवेट बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, लेकिन पायरुवेट से एनर्जी बनने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, बिना ऑक्सीजन के भी हो जाता है, लेकिन ऑक्सीजन से जो एनर्जी मिलती है बहुत ज्यादा मिलती है, काफी हाई अमाउंट मिलती है। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना कहां पर हुआ, ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस। अब अगर हमारा ऑक्सीजन का प्रेजेंस है, अगर सेल के अंदर ऑक्सीजन है, हमारा पायरुवेट देखता है कि सेल के अंदर ऑक्सीजन है या नहीं, अगर नहीं होगी तो एनोबिक रेस्पिरेशन करेगा, अगर होगी तो एरोबिक करेगा। तो अगर है ऑक्सीजन तो क्या होता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ही होता है, वहीं पर जाकर यह क्या करता है, पायरुवेट से बनते हैं 6CO2, 6H2O, किसकी प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ O2, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 6CO2, 6H2O प्लस 38 ATP, एक एटीपी के अंदर 30.5 किलो जूल पर मोल, 38 के अंदर कितना हो जाएगा कैलकुलेट कर लेना, 38 × 30.5, तो ये जो है ये बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी है, मतलब इतना भी ज्यादा नहीं है लेकिन ये कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी है कि हाँ इससे एनर्जी मिली है। तो होता क्या है, ये इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अब तो एमसीक्यू है तो इस इक्वेशन को दे देगा, पूछ लेगा यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा, या फिर यहां पर पूछ लेगा यहां पर क्या आएगा, कुछ भी पूछ सकता है इसमें से। तो होता क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लाइकोलाइसिस के जरिए पायरुवेट बना, अब पायरुवेट सेल के अंदर देखेगा ऑक्सीजन प्रेजेंट है या नहीं है, प्रेजेंट है तो क्या करेगा, एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में पायरुवेट को कंप्लीटली तोड़ देगा, किसमें, CO2 के अंदर, H2 के अंदर, 38 ATP के अंदर। ATP एनर्जी, काफी यूजफुल प्रोडक्ट है ये है यूजफुल, ये है हमारे वेस्ट, ये हमारे एलिमिनेट हो जाते हैं बॉडी से, ये बहुत ज्यादा रियल वेस्ट कंसिडर किया जाता है, जबकि H2O क्या होता है बॉडी के अंदर रहेगा तो वो थोड़ा बहुत बॉडी को हेल्प भी करता है, लेकिन CO2 ये बहुत ज्यादा हमारा रियल वेस्ट होता है, तो इसको हम एक्सहेल करके एनवायरनमेंट के अंदर निकाल देते हैं, अपनी बॉडी से निकालना चाहिए बस, एनवायरनमेंट में कहीं भी जाए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझ में आ गया एरोबिक रेस्पिरेशन, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी, ये जो ये है, तो देखिए ये हो गया एरोबिक। अब आती है हमारी एनएरोबिक की बारी, याद रखिएगा इसे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरोबिक मतलब रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इन प्रेजेंस ऑफ O2, होता कहां पर है ये, कहां पर होता है ये, एनिमल्स के अंदर, एनिमल्स या फिर ह्यूमंस, बहुत सारे जानवरों के अंदर यही होता है। अब आता बात आती है हमारी एनएरोबिक, एनएरोबिक मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस ही नहीं है, मतलब बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर एनर्जी मिल जाएगी, मतलब कि बिना ऑक्सीजन की भी जीवित रह सकते हैं ये प्राणी। तो होता क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पिछला में क्या था, ऑक्सीजन की प्रेजेंस थी, ऑक्सीजन था तो वो हो रहा था, यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो नहीं होगा। अब एक बताइए, ऑक्सीजन था यहाँ पर, ऑक्सीजन नहीं है, एक मेजर कंपाउंड, मेजर जो ऑक्सीजन होती है वो ही नहीं है, तो वहां पर एनर्जी बहुत हाई अमाउंट में मिल रही, 38, यहाँ पर एनर्जी बहुत कम मिलेगी, देखिएगा ऐसी तो नहीं है ना, हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। एनएरोबिक के अंदर क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड इन द एब्सेंस, एब्सेंस ऑफ O2, एब्सेंस ऑफ O2, समझ में आया। एनएरोबिक का मतलब क्या होता है, रिलीजिंग एनर्जी मतलब एनर्जी निकालना डाइजेस्टेड फूड से, डाइजेस्टेड फूड पहुंच गया सेल के अंदर, सेल के साइटोप्लाज्म में क्या हो गया, ग्लाइकोलाइसिस से पायरुवेट बन गया, वो तो बिना ऑक्सीजन की बनता है, उसके बाद
सेल के अंदर देखा कि ऑक्सीजन है ही नहीं, उसने देखा कि ऑक्सीजन है ही नहीं यहाँ पर, तो बिना ऑक्सीजन के भी वो एनर्जी बनाना स्टार्ट कर देता है। बॉडी को ऑक्सीजन तो चाहिए, एनर्जी तो चाहिए ही चाहिए, तो बिना ऑक्सीजन के साथ ही वो एनर्जी बनाता है। तो इसमें देखिए होता क्या है, ग्लूकोज और प्रोटीन फैट विटामिन से भी एनर्जी मिलती है, याद मत रखना मैं यहाँ पर अरवान ग्लूकोज ग्लूकोज लिख रहा हूँ, प्रोटीन भी होते हैं वहां से भी एनर्जी मिलती है, फैट से मिलती है, विटामिन से मिलती है, लेकिन हम इसको कंसिडर करते हैं मेन क्योंकि इससे बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है। तो ग्लूकोज से क्या बना हमारा पायरुवेट, पायरुवेट कहां पर बनता है ये साइटोप्लाज्म के अंदर, याद रखिएगा इधर ध्यान देते रहिए, एसिड स्ट्रेट मतलब कि क्या होता है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि भैया हमको समझ में नहीं आता है, हमको क्या होता है बैठे बैठे नींद आ जाती है, समझ में नहीं आता नींद आ जाती, तो होता क्या है आपके आसपास डिस्ट्रैक्शंस हैं, उन डिस्ट्रैक्शंस को दूर कीजिए सबको समझ में आएगा। ये बहुत प्यारी चीज है, ये बायोलॉजी ह्यूमन के अंदर समझने की चीज चलती है, यहाँ पर ह्यूमन के अंदर हो गया ना, बहुत प्यारी चीज है, इसको अगर मन से समझोगे ना तो इससे ज्यादा मजे किसी चीज में नहीं मिलेंगे। अपना स्ट्रेट बैठ जाइए, टेबल पर बैठिए, कभी नींद ही नहीं आएगी, अब कौन से अच्छे बेड पर लेट के वीडियो देखते हैं तो नींद तो आएगी आएगी। तो ग्लूकोज से पायरुवेट बना, साइटोप्लाज्म कहां पर हुआ था ये साइटोप्लाज्म के अंदर, इस प्रोसेस को नाम क्या बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ग्लूकोज से पायरुवेट, पायरुवेट अब ये सेल देखता है कि ऑक्सीजन है या नहीं है, ऑक्सीजन होती तो क्या होता, ऑक्सीजन होती तो क्या होता एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो क्या बनेगा यहां से लैक्टिक एसिड, सॉरी लैक्टिक एसिड ये बनता है ह्यूमन बींग्स के अंदर, ये अभी थोड़ा बताएंगे थोड़ी देर में, अभी ये नहीं, लैक्टिक एसिड थोड़ा आगे एब्सेंस ऑफ O2, O2 की प्रेजेंस ही नहीं है, O2 जब नहीं है तो क्या होगा यहाँ पे एनएरोबिक रेस्पिरेशन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दो चीजें बनती हैं, एक लैक्टिक एसिड बनती है या फिर इथेनॉल बनती है, लैक्टिक एसिड बनता है वो आगे बताएंगे कहाँ पे बनता है, अभी क्या बनेगा यहाँ पे इथेनॉल बनेगा 2C2H5OH, 2C2H5OH प्लस यहाँ पर बनता है हमारा 2ATP, याद कीजिए अच्छे से देखिए पिछले वाले के अंदर क्या बनना था 38 ATP, यहाँ पर क्या बननी है 2 ATP, बहुत कम हो गई एनर्जी, क्यों, क्योंकि एब्सेंस ऑफ O2 थी, अगर O2 अच्छे से प्रेजेंस होती तो ये कंपाउंड बनता ही नहीं, ये हमारा क्या होगा अच्छे से ब्रेक डाउन ही नहीं हुआ, पायरुवेट अच्छे से ब्रेक डाउन हुआ, अच्छे से ब्रेक डाउन होता है CO2 बनता है, H2 बनता है और यहाँ पे ATP बहुत सारा कंसिडरेबल अमाउंट में बनता, लेकिन हमारा O2 की एब्सेंस थी जिसकी वजह से C2H5OH बना और 2 ATP बनी, ठीक है। अब देखिए ये कहां पर हुआ था, ये सभी हुआ था हमारे यीस्ट के अंदर, कहां पर हुआ था यीस्ट के अंदर, यीस्ट के अंदर ये सभी हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सारी इक्वेशंस तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए एनएरोबिक के अंदर क्या होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस होती है, लेकिन मेन चीज यहाँ से होती है इन इक्वेशन से, यही इक्वेशन मार्क्स दिलाएंगी एग्जाम्स के अंदर। अब देखिए ये हो गया, चलो बातें करेंगे, अब होता क्या है जैसे कभी कभी हम एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइज एकदम से हम कभी करते नहीं है, आप जो सोते हैं फिर करते हैं कहीं कुछ भी, लेकिन एकदम से एक्सरसाइज करने लगे, जिम जाने लगे या फिर रनिंग करने लगे, तो होता क्या हमारे हाथ पैरों में दर्द होता है, यहाँ पर दर्द होता है या फिर पैरों में दर्द होने लगता है, तो वो क्यों होता है, क्योंकि हमको चाहिए बहुत सारी एनर्जी, अब एरोबिक एक्सरसाइज से एनर्जी मिल तो रही है लेकिन वो सफिशियंट नहीं हो पाता, तभी तो हम उसे लेने लगते हैं एनर्जी, थोड़ा सा हाफने लगते हैं, कभी देखा होगा हम जब दौड़ करके आते हैं, रनिंग करके आते हैं, एक्सरसाइज करके आते, तो थोड़ा हाफने लगते हैं, मुझसे ऐसे लगते हैं, तो इसीलिए ये क्यों करते हैं, क्योंकि हमको चाहिए ज्यादा एनर्जी, एनर्जी हमारी ऑक्सीजन से मिल तो रही है लेकिन कम मिल रही है, तो होता क्या है हम थोड़ा और ऑक्सीजन लेना चालू करते हैं लेकिन फिर भी हमारी एनर्जी नहीं, एनर्जी की जो रिक्वायरमेंट है पूरी नहीं होती, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, एनर्जी ज्यादा चाहिए तो क्या होता है बॉडी के अंदर एनएरोबिक रेस्पिरेशन होने लगता है, मतलब कि बिना ऑक्सीजन के वो एनर्जी बनाने लगती है, तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन ये कहां पड़ता है यीस्ट के अंदर, फर्मेंटेशन और होता है यहां पर फर्मेंटेशन, इतना याद रखना जो एनएरोबिक है वो सारा का सारा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, जो एनएरोबिक है यहां से लेके यहां तक कहां होगा साइटोप्लाज्म के अंदर होगा, लेकिन इससे पहले वाले के अंदर एरोबिक के अंदर क्या था, इतना साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, इतना माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा था, माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, 9th क्लास का टॉपिक है, 9th क्लास में बताया जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, पावर हाउस मतलब एनर्जी, पावर हाउस मतलब क्या होता है जहां से एनर्जी आने वाला, पावर पावर आने वाली, तो पायरुवेट से यहाँ पे जो 38 ATP निकलती है कहां निकलती, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, इसी वजह से दैट इज व्हाई दिस इज द रीजन व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया कॉल द पावर हाउस ऑफ द सेल, पावर हाउस इसलिए बोलते हैं। अब क्या हम मसल्स में चल रहे थे, तो बॉडी के अंदर जब एक्स्ट्रा ऑक्सीजन चाहिए तो वो क्या करता है एक्स्ट्रा एनर्जी के लिए हमारे
मसल्स के अंदर एनोरोबिक करने लगता है, एनोरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये सब तो सेम होता है, ये सब सेम होता है ऐसा कैसा ही, लेकिन यहाँ पर क्या होता है इन अवर मसल्स, इन मसल्स मसल्स के अंदर क्या होता है जब ये सब होता है तो यहाँ पे बनता रहता है लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड प्लस 2 ATP, 2 ATP बोलते हैं काफी लो अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो ये सब होता है हमारे मसल्स के अंदर, मसल्स के अंदर ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लाइकोलाइसिस, पाइरूवेट बनता है, पाइरूवेट के बाद क्या होता है उसको और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है नहीं उसको और एनर्जी चाहिए, तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रहती है तो क्या बनता है लैक्टिक एसिड बनता है, 2 ATP बनते हैं। अब ये लैक्टिक एसिड यही जो होता है जो हमारे मसल्स के अंदर पेन करता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है मसल्स के पेन के अंदर, पेन के लिए। तो इससे हम राहत पा सकते हैं कि हम हॉट वाटर मसाज ले ले या फिर हॉट वाटर बाथ ले ले, कोई मसाज कर रहे पैरों की, तो ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचते हैं, लैक्टिक एसिड को तोड़ के CO2H2 बना देती है। तो यही सब था एरोबिक और एनएरोबिक के अंदर। और हाँ एक चीज, इन दोनों के बीच डिफरेंस, तो एरोबिक के अंदर क्या होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, एनएरोबिक के अंदर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है। एरोबिक के अंदर एंड प्रोडक्ट्स हमारे अंदर लास्ट में जो प्रोडक्ट होते हैं CO2H2 बनते हैं, यहाँ पर क्या होता है या तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा या फिर इथेनॉल बन जाएगी, इसमें मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, इसके अंदर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। बस यही सब डिफरेंसेस थे, ये सब समझ में आया होगा, वीडियो अच्छे से समझ में आ गई हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।